हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम पोर्टल फ्रेम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टल फ्रेम मेथड ये क्यों यूज होता है? जो हमारा टॉल बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहते हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम पोर्टल फ्रेम मेथड का यूज करते हैं। पोर्टल फ्रेम मेथड जो होता है हमारा एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, टॉल बिल्डिंग फ्रेम है। तो जब हमारा जो बिल्डिंग रहता है उसका जो विड्थ रहता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइट, तब हम पोर्टल फ्रेम मेथड का यूज करते हैं। और हमारे बिल्डिंग में लेटरल लोड लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे लेटरल लोड है। लेटरल लोड मतलब कि ऐसे लोड जो हमारे ग्राउंड सरफेस के पैरेलल में एक्ट करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, लेटरल लोड कहलाता है। तो जब हमारा जो लोड रहता है टॉल बिल्डिंग फ्रेम में वो लेटरल लोड लगता है, ठीक है। जब हमारा जो बिल्डिंग रहता है वो उसमें लेटरल लोड एक्ट करता है और उसका जो विड्थ रहता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइट, तब हम क्या यूज करते हैं, पोर्टल फ्रेम मेथड का यूज करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, उस बिल्डिंग को एनालाइज करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अजम्पशन है जिसको लेके हमको चलना पड़ेगा इस मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट अजम्पशन है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज लोकेटेड एट मिड हाइट एंड सेंटर ऑफ ईच बीम एंड ईच कॉलम एंड बीम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मिड हाइट ऑफ ईच कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे और सेंटर ऑफ बीम दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, जो हमारा कॉलम है इसके मिड हाइट पे लोकेटेड होगा और जो हमारा बीम है ये जो हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, बीम है, और इसके मिड सेंटर पे हमारा क्या लोकेटेड होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड होगा। सिमिलरली ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं ये हमारा कॉलम है, तो इसके मिड हाइट पे हमारा क्या लोकेटेड होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकेटेड रहता है, ऐसा बोलता है पोर्टल फ्रेम मेथड। तो पहले तो आप ये समझिए कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, बीम है, ठीक है, जिसका जो एंड है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो जब इसमें लोड एक्ट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं ये एरो से शो हुआ है, तो इसका जो शेप होगा डिफॉर्म होने के बाद ये इस तरह से होगा। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये इसमें लोड लगेगा तो इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा ये जो बीम है। तो जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बीम का जो शेप रहता है, ठीक है, वो जहां पे चेंज होता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट, यहाँ पे क्या है हमारा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे जो है बीम का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है ये भी आप देखिए, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्वेक्स अपवर्ड है। फिर यहां से यहां तक देखिए आप, कॉनकेव अपवर्ड है। फिर यहां से यहां आप देखिए, कॉन्वेक्स अपवर्ड है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा जो शेप ऑफ जो हमारा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसका बीएमडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो जो हमारा सेकेंड अजम्पशन है वो क्या बोलता है, द हॉरिजॉन्टल शियर इज डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द कॉलम्स ऑन द बेसिस दैट ईच इंटीरियर कॉलम टेक्स ट्वाइस एज मच एज एक्सटीरियर कॉलम। मतलब कि जो हमारा इंटीरियर कॉलम रहेगा उसमें जो शियर आएगा वो 2 times रहेगा हमारे एक्सटीरियर कॉलम में। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, फर्स्ट स्टोरी है और ये जो है हमारा सेकेंड स्टोरी है। तो अगर हम फर्स्ट स्टोरी में भी एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, इतना जो सेक्शन आप देख सकते हैं, इतना जो सेक्शन है, हम ये जो ऊपर का जो सेक्शन है ये हम कंसिडर करते हैं, तो क्या होगा, ये जो फोर्स है हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा जो शियर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो हमारा जो सेकेंड अजम्पशन है वो क्या बोलता है कि जो हमारा इंटीरियर कॉलम में जो शियर आएगा वो डबल होगा एज दैट ऑफ हमारा जो एक्सटीरियर कॉलम में शियर आएगा उसके। अगर हमारा जो एक्सटीरियर का जो कॉलम है उसमें एस शियर आ रहा है तो जो हमारा इंटीरियर का जो शियर आएगा उसमें, उस इंटीरियर में जो शियर आएगा वो कितना जनरेट होगा, 2H का शियर जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोड है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जो हमारा शियर जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा।
तो अगर हमको h की जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे जो h है इसकी जो वैल्यू है हम निकाल सकते हैं 120 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, h प्लस टू एच प्लस टू एच प्लस एच कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6h इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो h की जो वैल्यू है हमको कितनी मिल जाएगी, 20 किलो न्यूटन की मिल जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे तीन टाइप के जो फोर्सेस रहते हैं वो एक्ट करते हैं। तो ये जो रहेगा हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, तो इसमें एक जो फोर्स रहेगा हमारा किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल में लगता है, एक वर्टिकल में लगता है, और जो तीसरा फोर्स रहता है हमारा क्या होता है, मूवमेंट एक्ट करता है। तो ये जो है तीन टाइप के फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे लगते हैं। तो जब हम जो हमारा जो फ्रेम है, ठीक है, इतना जो पोर्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो जब हमने इतना जो पोर्शन है हमने कंसिडर किया है, तो इसमें भी हमारा जो है तीन टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे जब हम इसका FBD ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हमारा जो रहता है बेंडिंग मूवमेंट जीरो रहता है, ठीक है। तो हमको जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां पे सिर्फ दो टाइप के फोर्सेस मिलेंगे, हमारा क्या रहेगा, वर्टिकल फोर्स रहेगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा। तो जब हम यहाँ पे कट करेंगे इसको, यहाँ पे इस पॉइंट से जब हम यहाँ पे कट लगाते हैं इन पॉइंट से, तो हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे हम कट लगाएंगे, और सिर्फ ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां पे हमने रेक्टेंगुलर बनाया था, सिर्फ उतने ही पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे। तो जब हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये जो हमारा बीम है एल के, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एल एल डैश में और एल डैश के में। सिमिलरली जो हमारा के जे, जो हमारा जो बीम है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, के के डैश में और के डैश जे में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा बीम रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जे आई जे जे डैश में और जे डैश आई में, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एल एल डैश में और एल डैश के में हमारा जो बीम है वो डिवाइड हुआ है, और ये के जे है वो के के डैश में और के डैश जे में, और ये जो है जे जे डैश में और जे डैश आई में, ठीक है। हमने ये जो है फर्स्ट स्टोरी था जो हमारा, उसका एक पोर्शन जो हमने रेक्टेंगुलर बना के शो किया था, उसका हमने यहाँ पे FBD ड्रॉ किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना है, 120 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो और हमने यहाँ पे जो शेयर जनरेट हो रहे थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटीरियर बीम में 20 किलो न्यूटन के हमने फाइंड आउट किए हैं, और जो इंटीरियर बीम है उसका डबल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये जो हमारा कंट्राफ्लेक्सरल पॉइंट्स है, ठीक है, यहीं पे हमने क्या किया है कि हमारे जो बीम है उसको कट किया है और दो पार्ट में ये डिवाइड किया है। ये जो आप देख सकते हैं ये जो है हमारे कंट्राफ्लेक्सरल पॉइंट्स थे, और इसी में हमने क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इन्हीं इसमें जो भी फोर्सेस आ रहे हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा वर्टिकल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। आप कैसे भी डायरेक्शन इसका अज्यूम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जो हमारा V1 का जो फाइनल वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव आता है, मतलब कि हमने सही डायरेक्शन अज्यूम किया है, अपवर्ड ही होगा। लेकिन अगर इसका जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव आ जाता है, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे हमने अपवर्ड अज्यूम किया है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जब हम FBD बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी शेयर फोर्स जनरेट होंगे जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो होगा क्योंकि जो हमारा बीम है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो इसीलिए जो शियर आएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये V2 है, तो इसके अपोजिट में जो मैग्नीट्यूड जनरेट होगा शियर का वो भी क्या हो जाएगा, V2 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हम मान के चलते हैं कि इसका जो वर्टिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, V3 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो इसका जो नीचे का जो पोर्शन था उसमें भी शियर जनरेट होगा, वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। सिमिलरली इसका इसको बैलेंस करने के लिए जो इसका शियर होगा वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली इसको बैलेंस करने के लिए इसके नीचे जो पोर्शन था उसमें जो शियर होगा इस डायरेक्शन में आएगा, सिमिलरली इस डायरेक्शन में आएगा। इस टाइप से है हमारा। और यहाँ पे जो हम मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा जो शेयर है V5 का जनरेट हो रहा है और यहाँ पे V7 का जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा के डैश जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे भी जो हमारा शेयर है V4 मैग्नीट्यूड का जनरेट होगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो V4 के इक्वल होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा हमारा अपोजिट में होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो जे डैश इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां भी हमारा V6 मैग्नीट्यूड का शेयर जनरेट होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा।
और जो हमारा बीम है इसका जो लेंथ 7 का हमको दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिड पे हमारा एक्ट कर रहा है, तो इधर का 3.5 होगा, इधर का 3.5 होगा, ठीक है, ये भी हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो हमारा जो टोटल बीम था वो कितने का था, 3.5 का था, ठीक है। तो ये इसको बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ होगा वो 1.75 1.75 सारे में हो जाएगा, और ये जो था हमारा कितने का था, 3.5 का था, तो ये 1.75 1.75 और ये जो था हमारा 5 का था, तो 2.5 2.5 हमारा हो जाएगा। और ये जो शियर रहता है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो तो सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट रहता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका इसको हमने डाउनवर्ड क्यों कंसिडर किया, इसको हमने अपवर्ड ही क्यों कंसिडर किया, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको अपवर्ड कंसिडर भी कर सकते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसके अपोजिट जो शियर जनरेट होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट ही होगा। इसको जैसे कि हमने डाउनवर्ड कंसिडर किया है, तो इसको हम अपवर्ड कंसिडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको आप डाउनवर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसके अपोजिट जो शियर जनरेट होगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फिर एक्ट करवाना होगा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही होगा। और ये तो हम सिर्फ अपर पोर्शन का देख रहे हैं, तो सिर्फ एक पार्ट का शियर कंसिडर कर रहे हैं, V1, V2, V5 और V7, ठीक है। यहाँ मैंने कैसे लिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर V1 एक्ट कर रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने नीचे ले लिया, इसके अपोजिट फिर से V2 एक्ट कर लेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर तो ये नीचे, ये नीचे तो ये ऊपर, फिर इसके अपोजिट ये नीचे, फिर ये ऊपर, इस तरह से मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। आप कैसे भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, आखिरी में हमको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो भी शियर जनरेट होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एंडलेस जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर किया है, जैसे कि जो ये जो पोर्टल फ्रेम है हमारा इक्विलिब्रियम में या फिर बैलेंस कंडीशन में है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएंगे हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट में वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये जो फोर्स लग रहा है हमारा ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अपोजिट हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसमें। तो हम मानते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो H1 है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में वो क्या लग रहा है, H2 का लग रहा है, जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड H2 रहेगा, और लेकिन इन लोग का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि H3 मैग्नीट्यूड का हमको क्या मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रहा है J डैश जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसमें, और उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो चलिए हम एक के बाद एक जॉइंट को कंसिडर करते हैं और उसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, जब हम जॉइंट L को कंसिडर करेंगे तो हम कौन कौन सा जो पोर्शन है वो कंसिडर करेंगे, यहाँ से जो फोर्सेस लग रहे हैं हम जॉइंट L को कंसिडर करेंगे तो लेंगे, यहाँ से जो H1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो लेंगे, और ये V2 लेंगे, ठीक है। और H1 फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो हम K जॉइंट में कंसिडर करेंगे, ये जो इतना हम लेंगे हमारा, जब के जॉइंट में कंसिडर करेंगे तो इतने फोर्स लेंगे, ये हमारा वर्टिकल, ये वर्टिकल, इधर से ये हॉरिजॉन्टल, इधर से ये हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली जब हम जे जॉइंट को कंसिडर करेंगे तो हम इतने फोर्सेस को कंसिडर में लाएंगे, ठीक है, यहाँ से जो H2 का लग रहा है और इधर से H3 और यहाँ पे V6 का और ये V5 का, ठीक है। और जब हम यहाँ पे I जॉइंट को कंसिडर करेंगे तो हम ये सारे जो फोर्सेस हैं, ये H3 और ये V6 लग रहा है, तो ये सारे जो फोर्सेस हैं हम वन बाई वन फाइंड आउट करेंगे और एक के बाद एक जो है जॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो L जॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे और इस जॉइंट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कंसिडरिंग जॉइंट L, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस उसमें एक्ट कर रहे हैं, नीचे ये V1 वर्टिकल फोर्स लग रहा था और ये 20 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था, ये 120 का हमारा एक्सटर्नल फोर्स था, वो ये टोटल हमारा कितना था, 3.5 का था। तो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये और ये तो जो था हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 1.75 और ये क्या हो जाएगा, 3.5 का हो जाएगा। और जो हमारा शियर फोर्स का हमने डायरेक्शन नीचे की ओर अज्यूम किया है इसमें, और ये जो हमारा H1 लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ये वाला जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो लगाएंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस जा रहे हैं हम उनको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, और जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं हम उनको निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, और ये निगेटिव में लग रहा है, ये भी निगेटिव में लग रहा है। आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं जो है साइन, जरूरी नहीं है पॉजिटिव एक्स में लग रहा है तो आप पॉजिटिव कंसिडर करें, आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। बस उसके अपोजिट वाले को जो हम पॉजिट बस उसके अपोजिट वाले को हम अपोजिट साइन में अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 120 माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एच वन माइनस 20। तो एच वन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी ये आ जाएगी। सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एल हम जीरो करेंगे। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके अबाउट हम मूवमेंट लेंगे सारे फोर्सेस का। तो वी वन तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, एच वन भी कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, और ये 120 भी कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिर्फ ये जो है 20 किलो न्यूटन का मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और जो वी टू है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्या जाएगा, 20 ये जो फोर्स है इंटू हमारा जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसका जो साइन कन्वेंशन हमने कैसे लिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ले लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव ले लिया है। आप कैसे भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लीजिए, आप आपके ऊपर है। बस उसके जो अपोजिट वाला रहेगा उसको अपोजिट साइन से लेंगे, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो रहेगा उसको अपोजिट साइन से लेंगे। तो ये 20 इंटू 1.75, और ये जो वी टू है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वी टू भी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दोनों का जो साइन है वो सेम हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वी टू का वैल्यू माइनस माइनस 10 आएगा। यहाँ पे जो माइनस 10 है ये क्या शो कर रहा है, हमने यहाँ पे इनिशियली कैसा इसका डायरेक्शन अज्यूम करके रखा है, डाउनवर्ड अज्यूम करके रखा है, लेकिन यहाँ पे वी टू कैसा आ जा रहा है, माइनस 10 आ जा रहा है। मतलब कि इसका जो डायरेक्शन एक्चुअल में जो होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा जो है ये माइनस साइन शो कर रहा है, यहीं पे ये इस माइनस साइन का मतलब है। उसके बाद हम थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, जो कि हमारा क्या है, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई में हम यहाँ पे देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं। ये वी वन ऊपर की तरफ लग रहा है, वी टू नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वी वन जो है हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो वी वन इज इक्वल टू वी टू आ जाएगा। तो जितना हमारा वी वन आया था, जितना हमारा वी टू आया था, वही वी वन भी हो जाएगा। तो जो हमारा वी वन हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने का हो जाएगा, माइनस 10 का हो जाएगा, ठीक है। वी वन का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 का हो जाएगा, मतलब कि हमने यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन में अज्यूम किया है इसको, तो ये क्या होना चाहिए, नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे वी वन का जो साइन है वो कैसा आ गया है, नेगेटिव आ गया है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड ज्वाइंट है वो हमारा क्या है, के ज्वाइंट। के ज्वाइंट में हम सारे जो फोर्सेस है वो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर इस फॉलो करना है, कोई डिफरेंट नहीं है। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आप जीरो कर दीजिए, ठीक है। ये इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेके, ये जो डायरेक्शन है आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस एच टू हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो एच टू की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम सेकेंड मूवमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो कि है हमारा समीशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट, हम इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन मूवमेंट दे देगा हमारा, ये जो फोर्स है ये मूवमेंट देगा, ये वी टू मूवमेंट देगा, और ये वी फोर मूवमेंट देगा। एच वन तो इसी से होके जा रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इस फोर्स का जो इस पॉइंट के अबाउट जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो वी थ्री है, ठीक है, ये जो फोर्स है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन का जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, जीरो है। तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो फोर्स है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से 3.5 का है। सिमिलरली वी फोर का जो है, यहाँ पे जो वी फोर का लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस होगा ज्वाइंट के से कितना है, 1.7 का है, और 40 का जो लाइन ऑफ एक्शन इसका जो डिस्टेंस है ज्वाइंट के से वो कितना है, 1.75 का है। तो मूवमेंट हम कैसे ले लेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो 40 है वो भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वी फोर है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई जरूरी नहीं है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके कंसिडर कर दिया है। तो वी टू इंटू 3.5
हो जाएगा, और ये जो 40 के करंट होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये V4 जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा V4 का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ, हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, जब 0 फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर ऊपर के फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और नीचे के फोर्सेस को निगेटिव कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 + V4 - V3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे V2 पिछले L जॉइंट में जब हमने V2 फाइंड आउट किया था तो कितना आया था, हमारा -10 का आ रहा था, और V4 हमने अभी फाइंड आउट किया, और V3 हमको फाइंड आउट करना है, तो कितने का जा रहा है, +10 का आ रहा है। मतलब कि जो हमने V3 का जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है वो हमारा डायरेक्शन सही है, ठीक है, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट रहता है वो कौन सा है, यहाँ पे जॉइंट J, ठीक है। तो ये जो J जॉइंट है इसमें जो सारे फोर्सेस हैं उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो उसके अपोजिट वाला हमको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। हम इसको नेगेटिव लेके चल सकते हैं, तो इसके अपोजिट वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आप जैसा चाहे वैसा डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लिया है, तो क्या हो जाएगा, H2 - H3 - और ये इस डायरेक्शन में इसलिए -40। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे H3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने की आ जा रही है हमारी, 20 kN की आ जा रही है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट J हम निकालेंगे, इस ये जो पॉइंट है हमारा इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। तो कौन कौन से जो फोर्सेस वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ये जो 40 है वो प्रोड्यूस करेगा, ये V4 प्रोड्यूस करेगा और V6 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये H2 H3 और ये जो V5 है ये तो इस पॉइंट से होके जा रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इसके अबाउट जो मूवमेंट होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हमारा 40 × 1.75 और ये जो V4 है, V4 × 1.75 और V6 × 2.5। डायरेक्शन कैसे लिया है हमने, ये जो हमारा क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव ले लिया है, एंटी क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव लिया है, तो ये जो V4 के कारण जो मूवमेंट होगा वो नेगेटिव है, बाकी ये दोनों के कारण पॉजिटिव है। इसको भी आप कैसे भी कंसिडर करें, ये सब ज्वाइंट में एक ही रूल फॉलो हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर लीजिए, बस उसके अपोजिट जो भी फोर्सेस आएंगे उसका जो साइन रहेगा उसको आप अपोजिट कंसिडर करिए। सिमिलरली जब हम यहाँ पे समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, जो हमारा थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वर्टिकल फोर्सेस का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे V4 + V6 - V5 हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे V4 पहले फाइंड आउट कर चुके हैं हम, और V6 हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, और V5 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे V6 देखिए -14 kN का आ रहा है, मतलब कि हमने यहाँ पे नीचे की ओर इसको अज्यूम किया था, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जब हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे सारे फोर्सेस का तो हम इसको ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है, और वहां पे क्या लिखेंगे, +14 kN का फोर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे V5 हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि हमने सही डायरेक्शन अज्यूम किया है V5 का। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो जॉइंट है वो I जॉइंट है, ठीक है, ये जो है L शेप का हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको V6 पता है, हमको सिर्फ V7 निकालना है, तो उसके लिए हम एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेंगे, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो उसी से हमारा सारा निकल जाएगा, ठीक है, V7 निकल जाएगा, तो V7 क्या आ जाएगा, V6 के इक्वल आ जाएगा, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, तो V6 - V7 = 0, तो हमारा V6 - 14 का है, तो ये V7 भी -14 kN का हमारा आ जाएगा। तो हमने V7 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर कंसिडर किया है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि V7 का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो हमारा टॉप स्टोरी था उसमें जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे, उसमें जो भी फोर्सेस आ रहे थे उसको हमने फाइंड आउट किया। और इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा सेकेंड स्टोरी है उसमें जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसमें जो भी फोर्सेस आएंगे उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसी वीडियो में सब कुछ फाइंड आउट करेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेकेंड स्टोरी में जो भी फोर्सेस आएंगे उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।